जी बच्चों, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। जो से पहला लेक्चर है वो भी आप लोगों से शेयर्ड है, स्टिल किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा तो मैं अगेन शेयर कर दूंगा। पहले लेक्चर के अंदर हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें हम देखते हैं, एक ओवरव्यू हमने देखा था। सुडो कोड तक हमने देखा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, हम लोग चीज़ें डिफरेंट देखी। फिर हमने कहा कि हम जो है इसकी जो कम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमने कहा कि इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं कम्प्लेक्सिटी के लिए, एक टाइम और एक स्पेस, दोनों चीज़ें हैं। टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के अंदर फिर आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट हमने चीज़ें जो होती हैं कि जी इसका जो वर्स्ट टाइम क्या है, एवरेज टाइम क्या है, बेस्ट टाइम क्या है, तो वो जिस जिस के ऊपर हम मूव करेंगे हम वन बाई वन उसका भी, या एट द एंड हम एक टेबल टेबलर फॉर्म के अंदर हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी को भी देख रहे होंगे। आज जो हम काम करना चाह रहे हैं, जिस हमको टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टैक के हवाले से। ये स्टैक आप लोगों बीएस के अंदर भी पढ़ा, आप लोगों इसका आइडिया भी है। अच्छा, स्टैक जो डाटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप लोग एक एंड से चीज़ें आप लोग जो है वो इंसर्ट करते हैं और उसी एंड से चीज़ें आप लोग मूव करते हैं। आपने एक ऐसी डाटा टाइप भी पढ़ी हुई है जिसमें आप चीज़ें एक एंड से इंसर्ट कर रहे होते थे लेकिन दूसरे एंड से आप लोग मूव कर रहे होते थे, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम जो चीज़ कवर कर रहे हैं इसमें आप एक ही एंड पे इंसर्ट करते हैं, उसी एंड से चीज़ें आप लोग जो है मूव कर रहे होते हैं, मतलब कि आपकी जो इंसर्शन है या जो डिलीशन है वो सेम एंड पे हो रही होती है। जैसे आपके सामने एक फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन गिवन है कि आप इसके अंदर जो भी एक न्यू आइटम इंसर्ट करेंगे वो एक ही एंड से इंसर्ट करेंगे, और जो रिमूव करेंगे वो जहां से इंसर्ट किया वहां से आप लोग रिमूव कर रहे होंगे। अब इसमें इंसर्शन और डिलीशन का प्रोसीजर कैसे होगा, आप देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ आप कैसे आप इंसर्ट कर रहे हैं। ये जो आपके पास फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो आपने रेड जो है, सबसे पहले इसको आप बाहर जो है वो निकाल लेंगे। इसमें जो दो टर्म यूज होती है, एक पुश की और एक पॉप की। जो पुश है वो बेसिकली एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पॉप है वो एलिमेंट को आप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो हम मेथड यूज करते हैं लाइफो यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने लास्ट में इंसर्ट किया उसको आप पहले जो है वो आउट करेंगे। इस तमाम डायग्राम के थ्रू भी आपको यही पता चल रहा है। अगर इन केस आप ये सब फर्स्ट डायग्राम के अंदर सबसे एंड वाला ब्लू कलर को आप जो है निकालना चाह रहे हैं, तो पहले आपको फर्स्ट थ्री एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, आप सो पॉप करेंगे, फिर इसको आप लोग जो है आप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये भी वही चीज़ है, लेकिन आपको समझाने के लिए माइक अपना ऑफ कर लें जिसका चल रहा है। अच्छा, स्टैक के अंदर ये आपके पास होमोजीनियस आइटम्स हैं, आप एलिमेंट्स हैं। ये होमोजीनियस का टर्म आपने बार बार सुना है आपने अरे के कंसेप्ट के अंदर, तो वो आपको स्लो चीज़ों का आइडिया है। ये अगेन कुछ फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए कि ये भी अगर आपने एक कैफेटेरिया के अंदर ट्रे का आपने सेट रखा हुआ है, एक ऊपर एक और ट्रे है, तो ये एक स्टैक का कंसेप्ट है। इस तरह से कहा हुआ था कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वो डिफरेंट कॉइन्स को आपने वन बाई वन एक दूसरे ऊपर रखा हुआ तो ये भी आपका स्टैक का कंसेप्ट है। इसी तरह से अगर आपने शू बॉक्सेस को इस तरह से रखा हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर आपने एक लेयर बनाई हुई है तो ये भी आपका स्टैक के कंसेप्ट में आता है। अगर आपने कोई ड्रेस प्रेस की है और शर्ट्स की आपने एक लेयर लगा दी है तो वो भी आपके स्टैक के कंसेप्ट में आता है कि जो सबसे ऊपर शर्ट है पहले उसको आप निकाल लें, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह से आप लोग उसको लेके चलेंगे। अच्छा, वही एग्जाम्पल्स अगेन कि अगर आपने कोई बुक्स रखी है टेबल के ऊपर स्टैक के कंसेप्ट में आती हैं, अगर आपने कोई टोकन सिस्टम है बैंक के अंदर आप जाते हैं, और इसी तरह से आप लोगों का जो है वो प्लेट्स और इसका जो कंसेप्ट है। यहाँ जो दो चीजें इस्तेमाल होती हैं अच्छा, इसमें दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, दो मोस्टली फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, एक पुश का है और एक पॉप का है। पुश का मतलब होता है कि हम किसी एक न्यू आइटम को ऐड करना चाह रहे हैं, हमेशा कहाँ ऐड होगी, वो हमेशा आपके स्टैक के टॉप के ऊपर वो एक नई आइटम को हम ऐड करते हैं। अब उसके लिए कुछ प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन भी होना लाजमी है। अब उसके लिए पुश के लिए जो प्री कंडीशन है तो वो ये प्री कंडीशन होती है कि आपने चेक करना है
आपकी जो स्टैक है वो कहीं फुल तो नहीं है ना, आपको आपके पास जो स्टैक की लिमिट थी वो 5 एलिमेंट्स थी और 5 पहले से एग्जिस्ट करते हैं, तो आप नए एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। पोस्ट कंडीशन के अंदर आपने उसमें ये भी चेक करनी है कि जो आपकी न्यू आइटम है वो आपके टॉप ऑफ स्टैक ही आनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपकी टॉप पे ही आएगी। अच्छा, इसमें जो आपके पास टॉप किसको रिप्रेजेंट करते होते हैं, जो आपका ओपन एंड है स्टैक उसे हम बेसिकली टॉप कह रहे होते हैं, जहां आपका एलिमेंट इंसर्ट कर रहे होते हैं। हम आगे देखेंगे जब आपने एक एलिमेंट इंसर्ट कर लिया तो जो टॉप की पोजीशन है वो i+1 करते चले जाते हैं, वो नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। इसका जो पुश है वो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो पॉप है वो एलिमेंट को हम रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इज एम्प्टी का कंसेप्ट है वो हम ये देखने के लिए कि क्या उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। समटाइम आपकी अरे जो स्टैक है बिल्कुल वो ब्लैंक होती है, इस फुल यूज करते हैं कि क्या देखने के लिए कि आपको पहले से जो स्टैक है फुल तो नहीं है, अगर फुल होगी तो आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, अगर आप पहले एम्प्टी होगी तो आप फर्दर एलिमेंट को आप रिमूव ही नहीं कर सकते, डेफिनेटली पहले एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अब इसके अंदर जो है अगर आपने किसी में कोड लिखना हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, C++ उसमें लिखें, C# में लिखें, अब जो भी आपको लैंग्वेज आपको लगती हो अच्छी हो उसमें लिख सकते हैं, लेकिन हमारा कोड के रेलिवेंट को पार्ट नहीं होगा उसके अंदर स्पेसिफिकली हमने करना क्या है। ये ऑपरेशन जो हमने पीछे पढ़े हैं वही ऑपरेशन हैं कि आप स्टैक कैसे क्रिएट करेंगे, पुश के लिए आप क्या यूज करेंगे, पॉप के लिए, एम्प्टी, फुल के लिए। ये आपके सामने एक सिनेरियो गिवन है, इस सिनेरियो को अगर आप लोग देखें, पहले आप 1 मिनट के लिए देखें फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर फुल स्क्रीन कीजिएगा, नजर नहीं आ रहा। ओके अब विजिबल है, सर अच्छा, इसको आप ऐसे समझिएगा जैसे ये रिवर्स पिक्चर लगी हुई, क्योंकि जो आपने स्टैक का कंसेप्ट देखा हुआ है उसके मुताबिक सबसे पहले चीज बॉटम पे आती है, फिर उसके ऊपर आती है, फिर उसके ऊपर आती है, तो 0 को आपने बॉटम ही कंसिडर करना है कि ये बॉटम है, 1 उसके ऊपर है, 2 उसके ऊपर है, 3 उसके ऊपर है। अच्छा, ये जो आपके पास एक डायग्राम गिवन है इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ ये आपके सबने एक स्टैक पहले क्रिएट किया होगा। अब आप एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आपने 2 उसको इंसर्ट किया, ठीक है, टॉप आपका 0 पोजीशन के ऊपर था, वहां आपने 2 इंसर्ट कर दिया, फिर आपने एक स्टैक पुश 3 का एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, आपने एक एलिमेंट है 3 उसको आप लोगों ने मजीद उसको पुश किया, अब आपके पास जो एलिमेंट वहाँ अवेलेबल है 2 और 3 है, अब एक और एलिमेंट है 5 उसको आपने पुश किया, अब आपके पास 2, 3 और 5 आ गया, ठीक है। अब आपने पॉप किया एक्स, एक्स कोई भी एलिमेंट है, वो आपका एलिमेंट क्या होगा वो आप डेफिनेटली आपको 5 होगा जो आपको सबसे पहले पड़ा होगा, उसको आपने रिमूव किया, अब आपने जो जिसको रिमूव कर दिया तब आपको टॉप 3 पे आ गया। इस तरह से अब एक और आपने एलिमेंट रिमूव किया, अब कौन सा 3 था वो, तो आपका जो टॉप पोजिशन है वो 2 पे आ गई है, और अब आपने एक और एलिमेंट इंसर्ट किया तो उसके बाद वो 10 आपको इंसर्ट हुआ। यहाँ तक आपको सबको समझ आ गई है कि नहीं? जब आप इंसर्ट करेंगे टॉप पोजिशन पे आपका डाटा इंसर्ट होता जाएगा, टॉप आपकी i+1 होती चली जाएगी, जब आप पुश जो है पॉप करेंगे तो एलिमेंट को रिमूव करते चले जाएंगे। लाइफ ऑफ जी मेमोरी सर, का आगे इसको देखें आप लोग, माइक अपना ऑफ कर लें। अच्छा, इसमें आपके पास ये स्टैक एग्जांपल के अंदर जो आपका स्टैक पहले एम्प्टी है, 8 को आपने पुश किया, फिर आपने 14 को पुश किया, फिर आपने 12 को पुश किया, अब आप जा रहे थे आप कंप्यूट कर रहे हैं, बहुत इमेच्योर बिहेवियर है कि आपको क्लास का पता ही नहीं है कि आपने ज्वाइन कैसे करनी है, और आप क्लास में है और अपना माइक आपने अनम्यूट किया हुआ,
ये आपने पॉप किया आपने 12 को, इसके ऊपर आपने जो है वो पॉप किया आपने 14 को, तब आपके पास 8 है। अगर आप मजीद को एड में पुश करेंगे तो आपने जो है वो 6 को आपने पुश किया। अब आप उसमें रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसने कहा कि आप पॉप करें 6 को 8 को, दोनों को आपने रिमूव किया, तो आपके पास अगेन जो स्टैक है वो एम्प्टी पोजिशन के अंदर है। तो स्टैक का जो बेसिकली काम है वो इस तरह से वो परफॉर्मर होता है कि आपने इसमें लाइफ ऑपरेशन के थ्रू आप इसको आपने परफॉर्म किया है। हाँ जी, इसमें देखें कि आपने इंसर्ट करना चाह रहे थे आप ए बी सी डी ई एन एफ, तो आप सबसे पहले ए को इंसर्ट किया, आपके पास पहले स्टैक एम्प्टी थी, इस पोजीशन के ऊपर टॉप था, फिर आपका बी आ गया, फिर सी डी ई एन एफ, और फिर आपने रिमूव किया किसको, एफ ई डी को, पहले एफ आपको रिमूव हुआ, फिर ई, फिर डी, अब आपको जो सी है वो आपके उस पोजिशन के ऊपर अवेलेबल है। हाँ जी, इसको एक दफ़ा देखें, फिर मैं पूछता हूँ आप लोगों से, मुझे बताइएगा अगर आपके पास कोई इस वक्त कोई रजिस्टर वगैरह है तो आप नोट डाउन करें, मुझे बताएं कि जी किस पोजीशन पे क्या क्या चीज़ें इंसर्ट होंगी, क्या रिमूव होंगी, और एट द एंड फाइनल आपको क्या नज़र आएगा। तो आप 1 मिनट लें, आपके पास अगर रजिस्टर्स हैं तो स्पेस को आप लोग बना लें कि स्टार्टिंग में क्या किस पोजीशन पे क्या होगा, सपोज ये डिस्प्ले में क्या आएगा, पॉप में क्या आएगा, पुश करने के बाद क्या होगा, हर एक नंबर ऑफ लाइन के ऊपर किस ऑपरेशन के अगेंस्ट क्या आपको चीज़ें होंगी। आप लोग 2 मिनट लें और इसको आप ड्रा कर लें एक दफ़ा। हाँ, कौन बच्चा बताएगा जी, वन बाय वन बताएं कि ये जो है एस डॉट डिस्प्ले क्या होगा यहाँ, जहाँ उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इसमें क्या नजर आएगा, मैं थर्ड लाइन पे मैं अवेलेबल हूँ। एम्प्टी है सर, यहाँ पे स्टैक ठीक है, शुरू में हम पॉप पे आ गए हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी एम्प्टी रहेगा क्योंकि कुछ भी पुश नहीं है तो स्टैक में। क्या अंडर फ्लो का मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, ओवरफ्लो का करवाएगा, क्या कहेगा, अंडर फ्लो का अंडरफ्लो। जवाब ठीक है, अब हम पुश कर दिया 6 को, 5 को, 2 को एंड 3 को, हमारे पास किस तरह से बना, 6, 5, 2 एंड 3 आ गया, यस यस सर, डिस्प्ले में उसने ये करवा दिया। अब हमने 8 को फिर पुश किया, अब क्या हमारे पास स्टैक में क्या चीजें पड़ी होंगी, 5 3 के ऊपर आएगा ये टॉप पे 8 होगा, टॉप टॉप 8 होगा, उसके नीचे क्या होगा, उसके पे सर, नीचे 3 होगा। ठीक है, अब हम इसमें पॉप करना चाह रहे हैं, क्या पॉप होगा, तो एक बाहर निकल जाएगा, एट पॉप होगा सर, और साथ 8 फिन इंसर्ट भी हो जाएगा। जी जी सर, तो हाँ जी ठीक है, अब मतलब डिस्प्ले के अंदर हमें वही चीजें एज इट इज नजर आएंगे। यस सर, ठीक है, फाइव टू थ्री एट अब हम पॉप कर रहे हैं 2 एलिमेंट्स को, कौन कौन से पॉप हुए हैं, 8 और 3 जाएंगे, एट और थ्री, एट थ्री, अब एट थ्री सर, हमने पुश कर दिया, ठीक है, टू के ऊपर 40 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो है अगेन वही डिस्प्ले करवा लेंगे, फिर हम 2 एलिमेंट्स को पॉप करवाएंगे और पुश करवाएंगे, और एट द एंड जो हमारे पास है थ्री और टू चले वो जाएंगे। डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ तक सब लोग साथ हैं, यस सर, यस ठीक है, यस सर, हाँ जी, वही चीजें हैं जो अभी आप लोगों ने पीछे बताई हैं, उसका क्या आएगा। ठीक है, ये उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ हमने अरे के थ्रू। अब स्टैक एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी उसकी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, कहाँ कहाँ उसको आप बेसिकली अप्लाई करते हैं।
मोस्ट केसेस के अंदर रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर आप लोग इसको अप्लाई कर रहे होते हैं. हम आगे देखेंगे जाके, आप लोगों ने जब कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा तो उसमें भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, तो ऑटोमेटा के अंदर भी आपने इसको इंप्लीमेंटेशन स्टैक की देखी होगी. इवन देन कि आप लोगों ने समझ में आ रही बिल्कुल, सबको ऐसे मसला आ रहा है या सिर्फ एक दो बच्चे को मसला है? नहीं सर, क्लियर आ रही है हमें तो, क्लियर आ रही सर आवाज आपकी. उस बच्चे की तरफ इशू होगा नेट का. अच्छा, ये इसमें आप लोग देखें कि बेसिकली हम रिवर्स स्प्रिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करना वहाँ यूज करते हैं. जब आप लोगों ने उसका कंसेप्ट यूज किया होगा, ऊप के अंदर हम बच्चों को पढ़ाते होते हैं, ये ऊप के अंदर इसको आप करते हैं स्टैक को, फिर हम कहीं हीप पे लेके आ जाते हैं, फिर उनको हमने न्यू का कीवर्ड और जो है डिफरेंट कीवर्ड के साथ उनको जो हम बताते हैं कि कहाँ आपका स्टैक होता है, अगर पॉइंटर आ जाएगा तो उसको हीप पे लेके जाते हैं, वेरिएबल आप इनिशियलाइज स्टोर करवाते हैं, तो बेसिकली आपके जो हम स्टैक पे करवा रहे होते हैं. फिर हमने स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है बच्चों को हम बताते हैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बच्चों को ये कह रहे होते हैं जी कि आपका एक जब आपका प्रोसेस क्रिएट होता है, ठीक है, वो आप पैसिव से जब आपकी एक एक्टिव एंटिटी बनता है, एक प्रोसेस क्रिएशन हो गई. अब जब प्रोसेस एक क्रिएट होता है तो जब उसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं जो आप लोगों ने 5 पढ़ी होंगी, उसमें हम कहते हैं कि एक पीसीबी बनता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक बनता है, उसके अंदर फिर हम कहते हैं कि आपका एक स्टैक बन जाता है. जितने हर प्रोसेस डिफरेंट चीज स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो स्टैक अंदर होते हैं. फिर हमने इसके अंदर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में देखा था जी, सपोज एक प्रोसेस काम कर रहा है, वो काम करता जा रहा था, एक और नया प्रोसेस आ गया, उसने प्रीवियस वाले प्रोसेस से रिसोर्सेज लिए, दूसरे ने काम करना स्टार्ट कर दिया. मतलब इन शॉर्ट मैं कहूँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो हमने कंसेप्ट देखा था, तो हमने जो प्रीवियस प्रोसेस की स्टेट जो स्टेट थी कि कितना काम उसने कर लिया था, कौन सा वो प्रोसेस था, उसको स्टैक में स्टोर करवाते हैं. फिर उसको जब रीलोड करना हो दूसरे प्रोसेस को, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हम बच्चों को स्टैक का कंसेप्ट बताते हैं. तो स्टैक आपको बेसिकली यूज हो रहा होता है. इस तरह से आप लोग इसमें देखें कि जो आपको रिवर्स स्ट्रिंग है हमने पॉप करवाया तो आपको रिवर्स में आ गया. इसके आगे बेसिकली जो हम यूज करते हैं इनफिक्स है, पोस्ट फिक्स है और प्री फिक्स है, ये इसको हम नेक्स्ट क्लास में टेबलेट फॉर्म में देखेंगे. इससे पहले जो आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दो शेयर कर दूंगा, ये दोनों रेलिवेंट होंगे स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोगों को देख लेने हैं, क्योंकि उसको आइडिया आपको होगा तो फिर हम इनफिनिक्स और पोस्ट फिक्स को ईजिली कर लेंगे. ये आप लोगों ने जो है नेक्स्ट क्लास से पहले आपको आपने इम्प्लीमेंट कर लेना. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें मुझसे. सर एक क्वेश्चन है मेरा, हम स्टैक को मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं? लेट्स सपोज हमें एक स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव करना है स्टैक के अंदर से, तो उसके लिए क्या मतलब उसका प्रोसीजर होगा? अच्छा, मैंने इसकी इस लेवल की, क्योंकि इसमें लाइफो है, आपको सपोज यहाँ 3 है, 2 है, 5 एंड 6 है, अगर आप 5 को रिमूव करना चाह रहे हैं ना, तो पहले आपको 3 एंड 2 को रिमूव करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट 5 को रिमूव नहीं कर सकते आप. फिर अगर आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो फिर हम और चीज़ों पे चले जाते हैं, हम कहते हैं लिंक लिस्ट पे आ जाओ, कहते हैं हीप पे आ जाओ, फिर और डिफरेंट वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको हम यूज़ करते हैं फिर. जी ठीक है जी. सर ये एक्शन सिर्फ एरे पे ही परफॉर्म होता है? हम लिंक लिस्ट पे भी कर लेते हैं, हमारी मर्जी है, हम आगे इसको देख लेंगे. एग्जांपल लिंक लिस्ट के थ्रू भी लोग इसको लिंक लिस्ट पे भी करते हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट में अवेलेबल है. तो जो सिंपल सा होता है वो बच्चों को समझाने के लिए, वो फर्स्ट एरे का होता है, उसके बाद फिर आपका जो है लिंक लिस्ट का ही है, तो लिंक लिस्ट के अंदर भी इसकी इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है.